हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 के गणित की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 12 को हल कराएंगे। इसमें दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें दिया है कोस इनवर्स 1/2। इसे हम मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स 1/2 को एक्स के बराबर मान लेते हैं। किसके? एक्स के। और कोस इनवर्स को एक्स की तरफ ले गए तो ये कोस एक्स इजिकल टू 1/2। अब देखिए कोस एक्स बराबर, अब आप ये देखिए कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है? ये होता है 60 का मान, जिसे हम लिखते हैं पाई बाई थ्री। अब कोस से कोस कट गया और एक्स का मान आ गया पाई बाई थ्री, यानी के कोस इनवर्स 1/2 बराबर एक्स, इसकी जगह रख देंगे हम पाई बाई थ्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम साइन इनवर्स को ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, इसे हम वाई के बराबर मान लेते हैं। जब साइन इनवर्स को वाई की तरफ ले गए, ये हो जाएगा साइन वाई इजिकल टू 1/2। इसी प्रकार साइन वाई इजिकल टू, अब आप ये देखिए साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है? 30 का मान, जिसे हम लिखते हैं साइन पाई बाई सिक्स। अब साइन से साइन कट गया और वाई बराबर क्या आ गया? पाई बाई सिक्स, यानी के यहाँ लिख देंगे हम साइन इनवर्स 1/2 बराबर वाई। वाई का मान कितना आया? पाई बाई सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स 1/2 का मान यहाँ रख देते हैं और प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2 का मान पाई बाई सिक्स रख देते हैं। चलिए देखिए कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना आया है हमारे पास? पाई बाई थ्री, यानी कि यहाँ रख देंगे हम पाई बाई थ्री प्लस 2 गुना साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आया? पाई बाई सिक्स, यहाँ पर भी ले रहे हैं पाई बाई सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए 2 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा थ्री, यानी कि पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, इसके एलसीएम कितना आ जाएगा? थ्री, देखिए आ जाएगा थ्री, ऊपर क्या आ जाएगा? पाई प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान आ गया 2 पाई बाई थ्री। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने आपको कक्षा 12 के गणित की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 12 को हल कराया। थैंक यू।